गाइस शॉर्ट वीडियो का चैलेंज तो सभी लोग करते हैं, बट लॉन्ग वीडियो का चैलेंज कोई नहीं करता। सो मैंने डिसाइड किया कि मैं लॉन्ग वीडियो का चैलेंज करूं। गाइस पूरे 30 दिनों तक 30 लॉन्ग वीडियो को अपलोड करके हमने करे 30 डेज लॉन्ग वीडियो चैलेंज, जो कि यूट्यूब पर शायद ही किसी ने किया होगा। इस चैलेंज में हमें ना सिर्फ इस चैनल को रैंक करवाना था, बल्कि हमें 1K सब्सक्राइबर्स और 4K वॉच टाइम भी कम्प्लीट करवाना था। क्या सिर्फ 30 दिनों में 30 लॉन्ग वीडियो को अपलोड करके 1K सब्सक्राइबर्स और 4K वॉच टाइम कंप्लीट कर पाते हैं या नहीं, तो इसके लिए आप सभी को इस वीडियो को लास्ट तक देखना होगा। एंड गाइस इस वीडियो का कोई सा भी पार्ट को मिस मत करना, क्योंकि ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। तो चलिए गाइस इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस चैलेंज स्टार्ट करने से पहले हमें 3 चीजों की जरूरत था। फर्स्ट वन इज एक चैनल को क्रिएट करना, एंड सेकंड वन इज लो कंपटीशन वाला नीच को फाइंड करना, एंड थर्ड वन इज बेटर वीडियो क्रिएट करना। सो गाइस मैंने 17 मई 2023 को एक न्यू चैनल को क्रिएट किया। गाइस वीडियो को लास्ट तक देख लेना, इस चैनल को मैं रिवील कर दूंगा इस वीडियो के लास्ट में। और उसके अगले दिन मैंने उस चैनल के लिए लो कॉम्पिटिशन वाला नीच को फाइंड किया। गाइस मैंने टेक कैटेगरी में ही लो कॉम्पिटिशन वाला टॉपिक्स को फाइंड किया। काफी रिसर्च करने के बाद मुझे एक नीच मिला, फॉर एग्जांपल सोशल मीडिया रिलेटेड, जिसमें इंस्टाग्राम टिकटॉक पर फॉलोवर्स कैसे बढ़ाए और प्रॉब्लम सॉल्विंग वीडियो बनाना था। उसके बाद मैंने वीडियो को क्रिएट किया। शुरू में मैंने सिंपल वीडियोस को बनाया। दोस्तों अब बारी थी वीडियो को अपलोड करने का। स्टार्ट करने से पहले एक प्रॉब्लम ये आ रहा था कि वीडियो का रिजल्ट कितने दिनों के बाद आप सभी को दिखाया जाए। गाइस काफी सोचने के बाद मैंने डिसाइड किया कि वीडियो अपलोड करने के बाद 10 दिन वेट करके रिजल्ट को शेयर करूंगा। तो गाइस 2 जून 2023 को मैंने फर्स्ट वीडियो को अपलोड कर दिया। दोस्तों वीडियो अपलोड करने के 10 दिन बाद मुझे फर्स्ट वीडियो से 103 व्यूज मिला। फर्स्ट वीडियो होने के कारण इस वीडियो को मैंने 10-20 लोगों के पास शेयर भी किया था। गाइस इस वीडियो से हमें 11 सब्सक्राइबर्स और 1.4 आवर्स का वॉच टाइम मिला। दोस्तों ये था वीडियो अपलोड करने का दूसरा दिन। गाइस इस वीडियो से हमें 297 व्यूज और 7.7 का वॉच टाइम मिला, और गाइस इस वीडियो से 5 सब्सक्राइबर्स भी मिला। तो ये था वीडियो अपलोड करने का 7th डे, जिसमें हमें सिर्फ 41 व्यूज मिला और 4 सब्सक्राइबर्स और 0.9 आवर्स का वॉच टाइम मिला। इस दिन काफी लो व्यूज मिला था। गाइस ऐसे ऐसे करके मैंने 5-6 वीडियो को और अपलोड कर दिया, बट व्यूज 44, 131, 148, 107 इससे ज्यादा व्यूज नहीं आ रहा था। गाइस उसके बाद मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया, जिसमें सेम कैटेगरी के बड़े यूट्यूबर्स के मोस्ट पॉपुलर वीडियो को देख के मैंने सेम वीडियो को क्रिएट किया, और गाइस इस वीडियो पर लास्ट 7 डेज में 2.9K से ज्यादा व्यूज आया, और गाइस अभी के टाइम पे इस वीडियो पर 86K से ज्यादा व्यूज है। इसी वीडियो से 1.6K से ज्यादा वॉच टाइम मिला, और इसी वीडियो से 700 से ज्यादा सब्सक्राइबर्स भी मिले। और गाइस इस वीडियो के बाद चैनल पर कुछ ऑडियंस भी मिल गए, जिसके कारण व्यूज भी इंक्रीज होना स्टार्ट हो गया। इस दिन भी मैंने सेम चीज को फॉलो किया, मैंने फिर से सेम कैटेगरी के बड़े यूट्यूबर्स के पॉपुलर वीडियो को देखकर मैंने सेम वीडियो को क्रिएट करके अपलोड कर दिया, और गाइस रिजल्ट आपके सामने है। हैप्पीली इस वीडियो पर 36K से ज्यादा व्यूज मिला, और गाइस इसी वीडियो से 400 से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और 800 से ज्यादा वॉच टाइम भी मिला। गाइस ये है चैलेंज का लास्ट दिन, जिसमें मुझे 485 व्यूज, 1 सब्सक्राइबर्स और 5 से ज्यादा वॉच टाइम मिला। इसी के साथ चैलेंज खत्म होता है। दोस्तों अब बारी है टोटल व्यूज, वॉच टाइम और सब्सक्राइबर्स को शो करने का। गाइस टोटल व्यूज की बात करूँ तो गाइस 128,103 व्यूज मिला है, और 3,000 से ज्यादा वॉच टाइम मिला है, और गाइस सब्सक्राइबर्स की बात करूँ तो 1440 मिला है। गाइस जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था उससे ज्यादा ही व्यूज मिला है। गाइस ये रहा वो चैनल जिसपे मैंने चैलेंज किया था। गाइस चैलेंज के बाद 10-15 दिन काम करने के बाद ये चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर्स और 4000 वॉच टाइम दोनों चीज कंप्लीट होने के कारण ये चैनल अभी के टाइम पे मोनेटाइज है। गाइस फॉर एनी फर्दर क्वेश्चन आप सभी इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर कांटेक्ट कर सकते हो, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।